धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धौलपुर बाड़ी मार्ग पर सोमवार शाम को एक बस अचानक अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे जा पलटी, जिसमें एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। हालांकि गंभीर घायलों की संख्या 5 है, जिन्हें इलाज के लिए डॉक्टर मंगल सिंह सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जिस समय बस पलटी उस समय बस में 60 से 70 सवारियां थी। घायलों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक रोडवेज की एक बस केला देवी से सवारियां लेकर धौलपुर आ रही थी, तभी रास्ते में NH-11B पर धौलपुर बाड़ी के बीच स्थित बिश्नौदा गांव के पास एक सवारी और परिचालक में किराए के 30 रुपए को लेकर कहा सुनी हो गई, जिस पर चालक ने पीछे देखा और कुछ कहा। इतने में ही बस अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे खाई में जा पलटी। बताया जा रहा है कि बस ने 2-3 पलटी खाई है। इस घटना में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। हालांकि गंभीर घायलों की संख्या 5 है, जिन्हें इलाज के लिए डॉक्टर मंगल सिंह सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार घायलों में न्यायालगंज थाना धौलपुर का पुलिसकर्मी राम प्रताप मीणा पुत्र गोपीलाल भी घायल हुआ है, जो सरकारी काम से बाड़ी से धौलपुर आ रहा था। अन्य घायलों में संत कुमार पुत्र महावीर निवासी मतसूरा बाड़ी, लाल सिंह पुत्र भूरी सिंह निवासी मतसूरा, रामरति पत्नी कुंजी निवासी लालोनी, सचिन पुत्र नारायण सिंह निवासी मतसूरा शामिल है। बताया जा रहा है कि जिस समय घटना हुई उस समय बस में 60 से 70 लोग सवार थे, जिनमें से अन्य कई लोगों को भी चोट आई है, लेकिन हल्की चोट होने के कारण अस्पताल नहीं आए। आ रहा था अचानक किसी से बैसवाड़ी ड्राइवर को हो रही थी, अचानक उससे बस चली गई थी, कार उतर गया। ये बस कैसे पलट गई? अच्छा, बैस करने लगा ड्राइवर किसी से, थे के लिए आ रहे थे। तो उसमें कितने लोग होंगे बस में? 60 लोग तो है, 60-70 लोग। नाम क्या है? संत कुमार। नाम क्या है? संत कुमार मथुरा। मथुरा। अभी अभी जिला अस्पताल की इमरजेंसी में कुछ मरीज आए हैं जो बस का पलटना बता रहे हैं। बाड़ी रोड पे बिश्नौदा के पास घायलों का इलाज जारी है, कुछ गंभीर हालत में उनको जयपुर भेजा है, बाकियों का इलाज यहीं पर चल रहा है। जिले भर के पेट्रोल पंपों पर आगामी 23 अक्टूबर को हड़ताल रहेगी। इसकी घोषणा करते हुए आज पेट्रोल पंप मालिकों के द्वारा जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा सरकार को राज्य में पेट्रोल और डीजल पर वेट कम करने के बार बार आग्रह करने पर भी कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसको लेकर मजबूरन 23 अक्टूबर को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इसके बाद भी यदि डीलर्स की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पेट्रोल पंप पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। सीमावर्ती उत्तर प्रदेश राज्य के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल तथा डीजल की मूल्य में काफी अंतर है, जिसको लेकर पेट्रोल व डीजल के खरीदार वाहन चालक राजस्थान की सीमा में लगे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं लेने की बजाय निकटवर्ती उत्तर प्रदेश की सीमा में लगे पेट्रोल पंप पर डीजल तथा पेट्रोल की खरीदारी करते हैं, जिससे बॉर्डर की सीमा सैंपो के अलावा जिले भर के पेट्रोल पंप की बिक्री न्यूनतम स्तर पर आ गई है, जिससे तंग आकर पेट्रोल पंप एसोसिएशन के द्वारा एक दिवसीय हड़ताल करने की घोषणा की है। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के गांव कासिमपुर में नल से पानी भरने की बात को लेकर आज सुबह दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दो समुदाय के लोगों में जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें 9 लोग घायल हो गए, कुछ लोगों के हल्की चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन दोनों ओर से पथराव पुलिस के सामने भी लगातार जारी रहा, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस जाब्ता रवाना किया गया, तब कहीं जाकर मामला शांत हो गया। घायलों को 108 एम्बुलेंस ने उपचार के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक कासिमपुर में रहने वाले दो जाति विशेषों के बीच एक नल से पानी भरने को लेकर सुबह कहासुनी हो गई। बाद में दोनों ही समुदाय के लोग आमने सामने हो गए और छतों पर चढ़कर एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। दोनों ओर से हुए पथराव में लगभग एक दर्जन लोगों के चोट लग गई। घटना की सूचना के बाद सदर थाना पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन मामला नियंत्रण में नहीं होता दिखा, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया और लोगों से समझाइश कर मामले को शांत कराया गया, जिसके बाद घायल लोगों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। फिलहाल गांव में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। पुलिस झगड़े के कारणों की जांच में जुट गई है। वहीं झगड़े की शुरुआत किस पक्ष ने की, इसको लेकर भी पुलिस की ओर से जानकारी जुटाई जा रही है। घटना में लोकमन पुत्र मंगल सिंह, दिलीप पुत्र देमान राम नारायण, सुरेश पुत्र मोहन सिंह रामबीर, पत्तीराम पुत्र दलीप सिंह, नरेश पुत्र शिव सिंह, रामजीलाल पुत्र राम नारायण, दिनेश पुत्र राम नारायण सहित अन्य लोग घायल हुए हैं। वो उनका कनेक्शन अलग है, हमारे कनेक्शन में जबरदस्ती वो पानी भरने आते थे,
इसी मना करने पर उन्होंने गाड़ी रो जो पत्र आई सब घर में तोड़ फोड़ की है और हमारे 10-15 लोग घायल हुए हैं, बहुत बुरी जख्मी। पुलिस को कंप्लेन करी है? कंप्लेन की थी, पुलिस भी 2-3 घंटे बाद पहुंची थी वहां पे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी उन्होंने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश चंद है। उन्होंने हमला किस चीज से किया है? पत्रों से लाठी चार्ज किया है और घर में भी उन्होंने घुसुर के मार दिया और चमारे ताला भी तोड़ दिया, उसमें चोरी भी हुई और 3 फिंसर पत्र सब फोड़ डाली उन्होंने। इतना भयंकर इतना इट्टाबाजी की है तो कुछ पूछ रहा हूँ, गाँव घर मोहल्ले को छोड़ के खेत में आना पड़ा, खेत में भी उन्होंने ये मेरा हाथ भी तोड़ दिया, उन्होंने सबका डट दिए उन्होंने खेत में आकर के। 108 से कासिमपुर लड़ाई झगड़ा हो गया है, थोड़ा पानी के विवाद, लेकिन नाली का पानी था उसके विवाद में, और कम से कम 4-5 मरी बहुत जख्मी है और हम पहुँचे और लेके ड्रामा वार्ड में भर्ती कराया। मौके पर पुलिस जाप्ता मौजूद था? हाँ, पुलिस पहुँच चुकी थी मौके पर। पुलिस वालों में कोई घायल नहीं हुआ? हाँ हुए थोड़े बहुत, लेकिन कुछ लोगों को और अपनी 108 और पहुँच गई है, लड़ाई अभी चालू है, अभी बंद नहीं हुई। कितने जने घायल हैं उसमें? करीब उसमें 7-8 आदमी घायल। पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर आज धौलपुर पुलिस की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके तहत सुबह पुलिस लाइन परिसर धौलपुर में शहीदों की शहादत को श्रद्धांजलि देने के बाद स्वैच्छिक रक्तदान शिविर व पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पुलिस के तमाम उच्चाधिकारियों व कर्मचारी उपस्थित रहे। पुलिस शहीद दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन परिसर में पुलिस उच्चाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि देकर उनकी शहादत को याद किया गया एवं परेड का आयोजन कर उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिन्होंने कर्तव्य पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। पुलिस अधीक्षक मृदुल खचावा द्वारा गार्ड की सलामी ली गई व सम्मान गार्ड का निरीक्षण किया। उसके बाद पुलिस अधिकारियों एवं जवानों को संबोधित एवं शहीदों के नामों का पठन किया गया। शहीद दिवस के उपलक्ष्य पर गत एक वर्ष में शहीद हुए पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के नामों का वाचन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। फिर इसके बाद शोक शस्त्र 48 पुलिस जवानों ने 3-3 राउंड फायर किए और उसके बाद शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि के बाद पुलिस लाइन परिसर में ही स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के साथ ही पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। यहां पुलिस अधिकारियों ने शहीदों की याद में पौधों का रोपण किया। इसके साथ ही आयोजित शिविर में 22 पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों ने उत्साह से रक्तदान किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक मृदुल खचावा ने पुलिस जवानों व शहीदों के परिजनों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के लिए शहीद होना बड़े गौरव की बात होती है, कर्तव्य परायणता में शहीद हुए जवानों पर हम सभी को गर्व है। उन्होंने कहा कि आज से 55 वर्ष पूर्व अक्टूबर 1959 में लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में भारतीय पुलिस के जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इन वीरों के बलिदान को याद करने व उनसे प्रेरणा ग्रहण करने के उद्देश्य से देश के हर पुलिस संगठन व संस्थान में शहीद पुलिस दिवस को मनाया जाता है। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र वर्मा, कोतवाली थाना प्रभारी रमेश समर, न्यालगंज थाना प्रभारी रोहित चावला, सदर थाना प्रभारी बाबूलाल, मानव तस्करी यूनिट प्रभारी रूप सिंह, महिला थाना अधिकारी यशपाल सिंह, मोहन सिंह व अजब सिंह सहित पुलिसकर्मी और शहीदों के परिजन उपस्थित रहे। आज पुलिस लाइन में जो है पुलिस शहीद दिवस समारोह आयोजित किया गया, इसमें सभी हेडक्वार्टर के जितने भी अधिकारी थे सब मौजूद रहे। पुलिस लाइन का हमारा जाप्ता मौजूद रहा, सलामी जो है शहीदों को सलामी देगी, उनके नाम पढ़े गए और जो शहीद पुलिसकर्मी हमारे हैं उनका परिवारजन जो है यहाँ मौजूद। सर सही सम्मान को लेकर सर वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ, आयोजन किया जा रहा है, उसके बाद में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी जो है आयोजित किया गया था, सभी शहीदों के जो परिवारजन हैं उनके द्वारा वृक्षारोपण करवाया गया, सभी अधिकारियों द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया है और आज ब्लड डोनेशन कैंप भी जो है वो पुलिस लाइन में आयोजित किया जाएगा इसी उपलक्ष्य में। आज शहीद दिवस के मौके पर देहली थाना प्रभारी सुमन कुमार चौधरी शहीद भागीरथ सिंह के पैतृक गांव जैतपुर पहुंचे, जहां शहीद के समाधि स्थल पर पुलिस जाप्ते के साथ नम आंखों व गर्व के साथ सलामी दी। साथ ही शहीद भागीरथ सिंह की पत्नी रंजना देवी को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। वहीं शहीद के पिता परशुराम का माला एवं साफा बांधकर सम्मान किया। इस मौके पर
सैंपू में पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने आज अलग अलग दो जगह कार्रवाई की है। टीम आने की सूचना मिलते ही मिठाई विक्रेताओं में हड़कंप मचा रहा। हाल ही में धौलपुर जिले में लगाए गए खाद्य निरीक्षक विश्वबंधु गुप्ता के द्वारा कार्रवाई करते हुए चित्रकूट मिष्ठान भंडार सहित भोले बाबा डेयरी से सैंपल लिए हैं। चित्रकूट मिष्ठान भंडार पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने मूंग दाल बर्फी का नमूना लिया है। वहीं मावा से निर्मित मिलावटी मिठाई नहीं बेचने के लिए दुकान मालिक को सख्त हिदायत दी है। खाद्य निरीक्षक गुप्ता ने बताया कि दीपावली के त्यौहार को देखते हुए सघन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मिलावटखोर मिठाई विक्रेताओं पर शिकंजा कसा जाएगा। हाँ, क्या कार्रवाई की है सर? राज्य सरकार ने जो दिवाली पर विशेष अभियान चला रखा है उसके तहत आज सैंपल उपस्थित दोनों ने लिए हैं। तो मूंग दाल बर्फी का लिया है चित्रकूट मिष्ठान भंडार से, दूसरा भोले बाबा डेयरी से घी का नमूना लिया है। और दिवाली तक निगरानी बनाए रखेंगे पूरे जिले में और नमूनीकरण का कार्य 3 तारीख से जारी है और दिवाली तक जारी रहेगा। धौलपुर शहर के पंडित उमादत्त पब्लिक स्कूल में 65वीं राष्ट्रीय स्कूली आस्टेडो अखाड़ा ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का उद्घाटन आज आर.के. जायसवाल जिला कलेक्टर धौलपुर के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अभिनेत्री सारा खान, कन्हैया गुर्जर, सहायक सचिव MGFI, भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी करिश्मा यादव, कनिष्का सिंह कछावा, सुरेश चंद्र भाटी, सुरेश चंद्र शर्मा, सचिव CBSE WSO सोमदत्त दीक्षित, कार्यालय सचिव SGFI कृष्णवीर सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मीनाक्षी शर्मा, पूर्व प्रधान सोनाली दत्त शर्मा, शकील अहमद, राजेश सामले रहे। पंडित उमादत्त स्कूल के चेयरमैन उपेंद्र दत्त शर्मा एवं सचिव आयोजन समिति ने अपना स्वागत भाषण में कहा कि आप सभी प्रतिभागी खेल भावना से खेलें, मैं राजस्थान की पावन धरा पर आपका स्वागत करता हूं। सचिव CBSE WSO सुरेश चंद्र शर्मा ने भी प्रतियोगियों को संबोधित करते हुए कहा कि CBSE WSO आयोजन होने के नाते सभी प्रतिभागियों को मैं धन्यवाद देता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि यह प्रतियोगिता नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित अभिनेत्री सारा खान ने अपने उद्बोधन में कहा कि छात्र छात्राओं के स्वस्थ रहने के लिए खेलों का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। मुझे चंबल का यह क्षेत्र बहुत ही रोचक लगा। मुख्य अतिथि एवं आयोजन अध्यक्ष आर.के. जायसवाल जिला कलेक्टर धौलपुर ने कहा कि सभी प्रतिभागियों को मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने पर शुभकामनाएं देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आप अपने खेल को खेल भावना से खेलेंगे। जिला कलेक्टर एवं अन्य अतिथियों ने राष्ट्रीय ध्वज प्रतियोगिता स्कूल सहित 5 ध्वज फहराकर गुब्बारे छोड़े तथा कबूतर उड़ाकर प्रतियोगिता के शुभारंभ को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में पंडित उमादत्त स्कूल के छात्र छात्राओं ने भारत के विभिन्न राज्यों की संस्कृति की झलक दिखाते हुए उनके नृत्य को प्रस्तुत करते हुए रंगारंग प्रस्तुतियां दी गईं, जिसमें अंत में किया गया भूत डांस पर सभी दर्शकों ने देर तक तालियां बजाई। मैम, आपको कैसा लगा उमादत्त पब्लिक स्कूल में आकर? बहुत अच्छा लगा, पुराने स्कूल की यादें ताज़ा हो गई। आई एम रियली थैंकफुल टू उमादत्त पब्लिक स्कूल जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे वापस से अपनी पुरानी मेमोरीज में ले आए। एंड आई लव एवरीवन, दिस परफॉर्मेंस सो गुड, 21 स्टेट्स ऑल टुगेदर एंड दिस इज वंडरफुल जॉब बाय दिस पीपल, दे हैव ऑर्गेनाइज्ड सो वेल एंड आई सी द टैलेंट, दे आर सो नाइस एंड सो अमेजिंग, बहुत मजा आया यहाँ आके एंड आप लोगों ने की परफॉर्मेंस इट वाज सो नाइस। मैम, कोई आज के बच्चों के लिए जो नई जनरेशन पढ़ाई कर रही है उसके लिए कोई मैसेज? यही मैसेज दूंगी, ये जो वक्त है ये वक्त कभी दोबारा लौट कर नहीं आता और जब तक आप इस दौर से गुजर रहे होते हैं, स्कूलिंग दौर से गुजर रहे होते हैं, तो वो छोटी छोटी से टेंशन बहुत बड़े लगते हैं आपको और आपको लगता है होमवर्क इज अ स्ट्रेस, सुबह उठ के स्कूल जाना इज अ स्ट्रेस, छुट्टी कब होगी, बट ट्रस्ट मी द मोमेंट आप ये पास कर जाएंगे ये टाइम, आप लोग बार बार विश करेंगे कि काश हम वापस से छोटे हो जाएंगे। तो दिल लगा के पढ़िए, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए, एंजॉय दिस मोमेंट टू द फुलेस्ट, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, योर एल्डर्स, एंड दे विल टेल यू द बेस्ट फॉर यू, सो जस्ट डू द बेस्ट। जो दो प्रतियोगिताओं के बारे में उसका आज भाग लेने का अवसर मिला और स्कूल से पहले जो मीडियम था तब भी आने का अवसर मिला रहा है।
सफलतापूर्वक दूसरे कार्यक्रम का आयोजन जो है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के माध्यम से हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ सफल आयोजन होगा। इन जो आयोजनों के माध्यम से आगामी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं का चयन में हमें मदद मिलेगी और ऐसी प्रतिभाएँ आगे बढ़ जाएंगी। ऐसी थैंक यू। डेंगू रोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा आज से धौलपुर जिले के शहरी व ग्रामीण इलाकों में जागरूकता एक्सप्रेस शुरू की गई है, जिसे जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने सोमवार दोपहर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल गोयल ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार विभाग द्वारा आमजन को ऑडियो विजुअल माध्यम से आमजन को डेंगू की रोकथाम के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में शिक्षित एवं जागरूक करने के लिए जागरूकता एक्सप्रेस चलाई गई है, जो जिले के सभी शहरी हाई रिस्क क्षेत्रों और मुख्य स्थानों पर वीडियो के माध्यम से लोगों को मच्छर पनपने के स्थानों के बारे में बताकर उन्हें खाली करने के लिए प्रेरित करेगी। इस मौके पर जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी समरवीर सिंह सिकरवार एवं जिला महामारी रोग विशेषज्ञ अखिलेश गर्ग आदि उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के देहली थाना इलाके के गांव शंकरपुरा में आधा दर्जन लोगों ने एक वृद्ध के साथ मारपीट कर दी। लाठियों और फरसों से हुई मारपीट में अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज अधेड़ अपने परिवार के साथ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। जानकारी के मुताबिक शंकरपुरा का बांकेलाल बीती शाम को अपने घर पर बैठा था, तभी गांव के ही आधा दर्जन से अधिक लोग लाठियां और सरियां लेकर उसके घर पहुंचे और पीड़ित के परिवारजनों से गालियां देने लगे। जब गाली देने से मना किया तो आरोपी पक्ष ने वृद्ध के सिर पर सरिये से हमला कर दिया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपियों ने उनकी कच्ची झोपड़ी में आग भी लगा दी, जिससे घरेलू सामान भी जलकर खाक हो गया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मामले की प्राथमिकी दर्ज कराने जब वह देहली थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनकी प्राथमिकी दर्ज करने से मना कर दिया, जिसके बाद आज पीड़ित पक्ष एसपी के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है। इस पर एसपी ने पीड़ितों को उचित कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। कौन से काम किया? कौन कौन से? बीका बच्ची, परमला सिन्हा, लोकेंद्र इलासी, बुद्धा, राधे श्याम, रोशन और रोशन बागना कामना और राम करण राम। आप ऐसा अगर बीच बचाव कर रहे आदमी ठाड़े रेत के चक्कर में ट्रैक्टर के लंबर के पीछे लड़ाई हुई है, आदमी नीचे दाब लो हम बचावेगा तो कुड़ाई देंगे और कुड़ाई देने के बाद राम ज्ञान में सरिया दिया है, सरिया देकर भगवान दास में बिंचा दिया है और दो करा में सरिया दिया है और नीचे डाल रहे हम बचावे गए, हम तो कुछ भी नहीं ना लठिया ना कुछ भी, और आगे लगा देंगे हम झोंपड़ी में मुड़ी मुड़ा खींचे गए तो सौंतला में कुड़ाई देंगे। बाड़ी तालाब से डांग मंगली पर सिंचाई विभाग और इससे संबंधित किसानों की एक मीटिंग का आयोजन सोमवार दोपहर को किया गया, जिसकी अध्यक्षता बाड़ी एसडीएम ब्रजेश मंगल ने की। इस दौरान किसानों को हो रही समस्याओं पर चर्चा की गई और उन्हें जल्द दूर करने का आश्वासन भी दिया गया। इस बैठक में तय हुआ कि किसानों के लिए नहर से पानी 6 नवंबर से छोड़ा जाएगा। इस मौके पर सिंचाई विभाग के एएन श्याम सुंदर शर्मा, जेएन विवेक, रामेंद्र मीणा, सन्नू खां, लक्ष्मी नारायण, बच्चू सिंह, सरदार बलबीर सिंह, त्रिलोचन सिंह, दिनेश मीणा धनौरा, जगदीश आदमपुर, शौकीन सिंह करेरुआ सहित काफी संख्या में किसान उपस्थित रहे। जन चेतना समिति बाड़ी की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बाड़ी उपखंड अधिकारी ब्रजेश मंगल ने सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोपाल गोयल, बाड़ी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी शिवदयाल मंगल, अतिरिक्त जिला समन्वयक समसा धौलपुर मुकेश गर्ग, भूतपूर्व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बसेड़ी सुरेंद्र सिंह परमार, आध्यात्मिक गुरु गोविंद मीणा, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष सुनील गर्ग कंपनी परिवार, वरिष्ठ समाज सेवी मुन्नालाल मंगल, अग्रोहा ग्रुप के चेयरमैन मुकेश सिंगल के सानिध्य में हुआ। जन चेतना समिति के निवर्तमान अध्यक्ष राकेश गर्ग एवं महामंत्री रामसेवक मंगल ने अपना दायित्व नए अध्यक्ष अशोक बंसल, महामंत्री विनोद गोयल को सौंपा। कोषाध्यक्ष गोविंद मंगल, संरक्षक भगवान दास गर्ग, समस्त पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्यों ने तन मन से सामाजिक सेवा करने की शपथ ली। संस्था द्वारा विगत 2 वर्षों में अपने स्थायी प्रकल्पों को गति प्रदान की, जैसे पौधारोपण, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, प्रश्न मंच प्रतियोगिता, ENT शिविर, होली मिलन समारोह, गंगा दशहरा, मीठा जल वितरण, 200 मरीजों का मोतियाबिंद ऑपरेशन आदि कार्य किए गए।
समिति अध्यक्ष अशोक बंसल ने बताया कि इस संस्था को आज 25 वर्ष 5 माह हो चुके हैं। आज तक कुल 4,225 मरीजों की आंखों का मोतियाबिंद ऑपरेशन करवाकर रोशनी प्रदान की गई है। कार्यक्रम में डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने इन सेवाओं के अलावा बच्चों को संस्कारित करने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर गोपाल गोयल ने कहा कि आप कभी भी आंखों का कैंप लगाएं, मैं पूर्ण सहयोग करूंगा। एसडीएम मंगल ने प्लास्टिक मुक्त अभियान को बढ़ाने के बारे में सभी को समझाया और समिति को प्रेरित भी किया। मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी बाड़ी द्वारा 29 अक्टूबर मंगलवार को दोपहर 12 बजे से स्थानीय मदरसा मोहम्मदिया सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल बाड़ी में एक जिला स्तरीय मुस्लिम प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सत्र 2018-19 में कक्षा 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर धार्मिक शिक्षा में हाफिज व आलिम की डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं एवं सरकारी सेवा में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों सहित रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाले युवकों को सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि इस प्रोग्राम में नगर विधायक एवं शिक्षाविद जनाब बाजिद अली साहब व आदर्श नगर जयपुर विधायक जनाब रफी खान सहित कई विद्वान शिक्षाविद आ रहे हैं। प्रोग्राम की अध्यक्षता बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा करेंगे। सोसाइटी अध्यक्ष दिलीप खान व सचिव जिया खान ने बताया कि आवेदन की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर है। समारोह आयोजक मंडल में आमिर खान, अल्ताफ अहमद, रईस खान आदि सम्मिलित हैं। पंजाब नेशनल बैंक धूलकोट धौलपुर के द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के तहत उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सोमवार दोपहर पंचायत समिति धौलपुर की ग्राम पंचायत चैनाकापुरा में किया गया, जिसमें ग्रामीणों को आरसीटी के प्रशिक्षण की विशेषताएं बताई गयी। जिसमें बताया गया कि आरसीटी ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल एवं ग्रामीण गरीब परिवारों के बेरोजगार नवयुवक एवं नवयुवतियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार से जोड़ता है, ताकि वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकें। सभी प्रशिक्षण में बाजार सर्वेक्षण की सुविधा तथा प्रशिक्षण उपरांत बैंक ऋण उपलब्ध कराने में भी सहायता दी जाती है। इस मौके पर ब्रजेश पचौरी, वित्तीय सलाहकार नाहर सिंह, एलडीएम ऑफिस धौलपुर, पीएनबी सरानी खेड़ा के शाखा प्रबंधक सुरेश चंद बघेला सहित ग्रामीण महिला पुरुष मौजूद रहे। पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, ये ऐसा संस्थान है जो युवा बेरोजगारों को, जो कि 18 से 45 साल तक के, जो कि अपना स्टडी छोड़ चुके हैं, उनको स्वरोजगार देने के लिए, स्वरोजगार करवाने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। और ये हमारे पंजाब नेशनल बैंक और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। इसकी जो ट्रेनिंग दी जाती है वो बिल्कुल निःशुल्क होती है। इनको क्या नाम है, 9:30 बजे से सुबह 6 बजे तक ट्रेनिंग दी जाती है। कांग्रेस सेवा दल की नवनियुक्त जिला अध्यक्ष समृद्धि दीक्षित का जिला हज कमेटी के अध्यक्ष सुलेमान फारूकी ने लकी रेस्टोरेंट में अपनी टीम के साथ स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सुलेमान फारूकी ने कहा कि समृद्धि क्षेत्र में बहुत ही मेहनती और सबको साथ लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करेंगी तथा सरकार की सभी योजनाओं का सभी लोगों को लाभ दिलाने के लिए कार्य करती रहेंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। सेवा दल कांग्रेस में मेरे पिताजी ने बहुत अच्छा काम करके पार्टी को बहुत मजबूत किया था। इस मौके पर समृद्धि ने आश्वस्त किया कि मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाने की भरपूर कोशिश करूंगी और जनता के लिए कार्य करती रहूंगी। इस अवसर पर मुन्ना खान अब्बासी, अध्यक्ष बक बोर्ड धौलपुर, अर्जुन मावई, आजाद मिर्जा, लोकसभा महासचिव राजस्थान यूथ कांग्रेस करौली धौलपुर, इमरान खान, देवेश कुमार, परवेज मिर्जा, त्यागी, आसिफ खान उस्मानी आदि लोग उपस्थित रहे।